hari umaniyo namandi bhagwan samanta paribara mane prabhudana ko prayas prabhudana ko prayas agan koi sinna mandir bhagwan ki vanna shastri vanna guru ki santuti hai parna kare jivare se koli parama avasuch sadhu sant vanne suroye ruchi gire kan sadhi gire ki shakti gire ruchi gire मैंने परिणाम उच्चारण नहीं कर दूंगा धीरे धीरे सुख कौन दीजिए समय से आ गए बिगड़ो बिगड़ो तो रही होगी गंगा जमुना सुधार हो गया थी गोवर्धन देखा जो है गोवर्धन तिलक अगर कोई राष्ट्रीय पर मारा पड़ गया इतने बुद्धिमान टाइप को वाला मरी और गुरु मत ये प्रकार जीवन का तीर गया आज वो कैसे बुद्धिमान और जब तू बार बार जन्म कैसे यही इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का महत्व है यही जन्म में भगवान सकते ऐसे सिंसियर हो जाएगा समय नष्ट न करेगी एम एम ना नहीं करी शरीर रोग रोग सब आप पूर्व भूति रोग पूर्व करो जितनी समय में जो तार पूरा फायदा हो जाएगा ये हो चुका था कौन बोले कौन ने लुभाम मदर की लाइफ ऐसे सुचार संसार में नहीं बंदर इतने बोले थे ना मंदिर में भगवान को मानेगा मंदिर सरकार के हाथ में चले जाएगा अभी मंदिर कष्ट नहीं जीवन धीरे धीरे यही हो चुका है इससे जाना मंदिर पर सोना चला सकते हो सरकार के लाती हो जाएगी तो टाइम ले तो एक टाइम ले मंदिर टाइम ले तो दरान ले तो किराए पर पुजारी रखे जाएंगे सरकार नौ नंबर का तो मोटर मंदिर पैसा दे रखा है पुजारी हम मोटर पुजारी पैसा रुसिया पैसा अरे पैसा नहीं मिलेगा तो रुसी को रुसी रुसी खाते प्रसाद क्या होगा भजन होगा पैसा नहीं ना मिलेगा सब आप बहुत अच्छे मिलेगा देखिए मन को कैसे किंतु कमर से लगा सकते ठीक दावान बुद्धि बुद्धा बड़े बड़े ठीक चल ठीक बहुत से काम सिखा के उस आना है किराए पर पुजारी रख जाएगी कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जो भगवान को मानेगा उसे दान दे दिया जाएगा मुस्लिम सांसद नासिर पहले सब बढ़ा रहेगा जी भगवान को मानने का को कि दान दे दिया खुला खुला जितने रुचि सब की भजन करी कोई भी तरह का बात से जी कोई भी दान लोग जी भगवान के दान लोग भजन करेगा इसलिए जागो भाई चेतो जाओ स्थित जाकर तो प्राप्त बनाने को तो जीव जागो बड़ा सांग दिमाग जागृत हो तो कहते थे सही हो अभी भी समय है हरिनाम कर हरिनाम कर हरिनाम कर महादेव भी समझ के हरिनाम हरिनाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 परिवेश इंद्र तक सभी शरण के हरिनाम सब दाम वसना हो मायापुर की पुलिस भी तो प्रेमास्तु भक्तगण नराधम अधमाधम दासानदस अनिरुद्धस कश्यपि के चरणों में बार बार सत्ता दंडल प्रणाम को कभी वापस कर उग्र रूप से बने कर प्रार्थना सतगुण रजगुण तथा तमगुण से कर्म भोग तथा पुनर्जन्म भोगना आम जो कर्म को करुचे पुनर्जन्म जो होचे तर कारण होची सत्वगुण रजगुण तम माया की तरह तमाम दुनिया के पिपली के आरंभ के ब्रह्मा होचे पिपली के आरंभ के ब्रह्मा पर्यंत ब्रह्मांड समस्त ये तीन ही गुण से मुक्ति होच माया की तरह अस तीन अस अनंत कोटि पिछले जन्मों के सत्वगुण रजगुण तथा तमगुण के स्वभाव अनुसार अगला जन्म चयापचय प्राणी में इसी प्रभाव करता है आंतो कितने जन्म हैं अनंत करोड़ों का जन्म हम जीतेंगे कितने जन्मों का हमसे अब बीमारी जो बीती बीती है क्या बीमारी जन्म सत्वगुण में बीती रजोगुण में तमोगुण में बीती इतने से गुणों का स्वभाव में से परवों के जन्म भी निर्णय करा जाए चलो की आचे को कोहलो की पानी का जन्म होगा हम गुणों गुणों से जिसे धर्मग्रंथ कारण शरीर भी कहते हैं देखो कारण शरीर को
शरीर भी तीन प्रकार के होते हैं, सूर्य सूक्ष्म तथा कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर भी अगले जन्म का है, ये सूक्ष्म शरीर के पूरा सूक्ष्म शरीर मनोबुद्धि अहंकार, मनोबुद्धि अहंकार हो सूक्ष्म शरीर सत्य लोक सी जन्म 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 शरीर का हम जो शरीर धारण करते तार मूल कारण हम सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर मनोबुद्धि में जहाँ चिंतन करिए परवर्ती सी प्रकार जन्म इतने सूक्ष्म शरीर नष्ट हो ताहले भव साक्षात्कार प्रकृत शरीर प्रकट हो स्वरूप ये शरीर का तो नष्ट कर दे पूरे पांच हजार बीस हजार किया है इस शरीर की शनि की है इन इस शरीर के परिचर में कुछ ड्राइव कर जा मास्टर जी मानो बुद्धि अहंकार तक का इधर सूक्ष्म शरीर दर लिंग शरीर पर जल जातना शरीर पर जिस को भी करो मूल कारण से शरीर की जन्म जन्म के पाए कारण से हम जो जन्म डर पशु हो जी पक्षी हो जी कीट हो जी पतंग हो जी विक्र हो जी शूद्र हो जी दुखी हो जी गरीब हो जी राजा हो जी प्रजा हो जी इस समस्त जन्म चालीस हजार जन्म का रहस्य तार मूल कारण हो जी जीव और सूक्ष्म कारण से मानव जीव जीवा से सिंह हो जी इस प्रकार कर्म को इस प्रकार स्वभाव के हो जी संस्कार से जन्म को सूक्ष्म शरीर ही अगले जन्म का है एंड परवर्ती जन्म में सूक्ष्म शरीर का जब निर्गुण वृत्ति का स्वभाव साधक का बन जाता है तो ये सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। यदि कोई निर्गुण वृत्ति में सत्व रज तप उत्त स्थिति जिला की भक्ति मार्ग में पाए से निर्गुण जैसे कौन सी कौन रोगी का है भजन करना सत्व नहीं कर जो नहीं करना है भजन करो से निर्गुण स्थिति भगवान की सेवा करते ये निर्गुण स्थिति इतने भगवत चिंतन के भगवत स्मरण के भगवान का भजन करी रहेगा से समझना निर्गुण समय से स्थिति एक प्रकार जो हमारे जीवन का पाठ पाठ कर दे भगवत चिंतन स्मरण भजन कीर्तन सेवा ये सत्संग दे सेमान पर आप जन्म है नरक है सेमान पर जन्म जो भगवत साक्षात्कार तब तो ये निर्गुण स्थिति ऐसी है सुपर से नष्ट है कामना से नष्ट है जड़ सबूत भगवान भजन करें तार संसार कम रही हो ना तार देह देही को किसी संसार कम नहीं सही होता है कहे सांसारिक काम में रही हुई है हमारे संसार का सही होता है किन भगवत काम में जैसे तार संसार कम रही थी मस्त रही होता है इन्हें बच्चे की कर रहे हो तार दिन के रूप में कुछ जब होगे ये समय तो सांसारिक काम में रहो ना दिन का चौबीस दिन तो अंदर डेढ़ घंटा दिन का ठाकुर जी का इधर ना इतनी सारी तो भक्ति काम में किसके लिए एक बार जो सबूल ले लगी हुई हो वो सेवा की कितना स्मरण है धीरे धीरे तरह जन्म जन्म अंतर से कामना वासना की संसार उपभोग करिए से नष्ट है ऐसे ना नष्ट है सिर्फ शरीर नष्ट है का पता प्रकृत शरीर भगवान के दास सिर में से प्रकट हो अनुभव करिए का प्रेम का भक्ति का निर्गुण भक्ति का स्वभाव तो परम सत अधिक महान भव महात्मा का ही हुआ करता है कि देश स्थिति का महापुरुष समान को कोई महाराज है इस निर्गुण स्थिति दीप महान गुरु महापुरुष सदगुरु प्रामाणिक संत भजनादि महात्मा ये अलग देखा है हम से बहुत तो हम सवाल भजन के लिए चेष्टा की संशय आसक्ति वाले साधकों को स्वभाव का गुण से ही लिए लिप्त रहता है जो साधक की संसार को क्या आसक्ति थी तब स्वभाव को गुणों द्वारा लिप्त होता है गुण से ही पुनर्जन्म होता है तर जो प्रकार गुण की से तब जन्म मिलो भगवान की भक्त के संग से ही इन गुणों का अंत हो जाता है यदि भगवान और भगवान के संग करियो तहले इस सत्व रज तम गुण का अंग आचरण कर के जी जो द्रव्य लागे शुभ कर्म को से पुण्य कर्म को से बड़े अहंकार जति कर्म को से बड़े विवक्षता पर निश्चित कर्म को से शुभ कर्म सत्यवान सत्यवान जो मन में ऐसे तब सात्विक कर्म करते पुण्य कर्म करते शुभ कर्म करते कार्य प्रकार करते एक प्रकार से जितना तो रजोगुण आम मन में ऐसे हो जाए प्रभाव विस्तार कर से तो आम धार्मिक अहंकार घमंडी दर्प रंग एक प्रकार से आरंभ ये सब कार्य कर जाए सब तो तमो नाश से अन्य खेती करिए निश्चय करी देश से करी विदेश करी अन्य रोग एक प्रकार विवक्षता का कर्म जाके एक दिली गुण नष्ट करेगी वो यदि भगवान पर भक्त सागर
भगवान उन्हें भोजन कराते जो भगवान पर सदैव सपा करके समर्पित दे जाते श्री प्रकार भगवान के समर्पण परिवार ताकि आमर अंतर तीन गुण जो गुण मूल कारण जो बात आसे धीरे नष्ट ये हूँ भाष्य कहले भगवान के भक्त के संग से ही गुणों का अंत हो जाता है क्योंकि भक्त से ही सच्चा ज्ञान उपलब्ध होता है भक्त ही कोई सच्चा ज्ञान संसार विकार वैपनित्य के कारण है भक्त सदैव के समझते हुए बेबाजी में निकाल मत मन बेकार कर्म कर एकमात्र भक्त ही संसार वास्तवता ठीक रही निर्विकरण समझे आगे हुए सत्संग सच्चा ज्ञान प्योर ज्ञान मिले रामी युद्ध ज्ञान ना ये डुप्लीकेट ज्ञान भक्त के संग से सदैव भगवत चर्चा होती रहती है और भक्त संग से बोले भगवान की चर्चा है तो भगवान की सेवा तंत्र कोई पति तंत्र भक्त कोई तंत्र तो भजन कीर्तन तंत्र कोई सुख और भक्त बाबू जीवा भगवान को कथा न थी अन्य कथा थी राजनीति कथा सांसारिक कथा थी তাহলে সেই প্রকার ভক্ত দুর্নত তো তাকে দূরে যেতে হবে তার স্বরূপ দুর্নত এই ভাবান ধরুক কিন্তু সাধু বেশ তো গুণ সাধন নথিব যদি কেউ লোক বলি মহারাজ বলে আসিব প্রণাম করে পাখে রয়েছে সে বুঝতে তাকে তার ঘর ফসল বসে বসে মতলব করে আর পেটা বাস সেই করছে এতে কোনো হচ্ছে এসে তাকে ফসল বসে তারপর অবদান রঙাই দিয়ে সে বিচারা যদি শান্তি পাইবে বা যোগ কথা শুনিবে আমি তাকে প্রসার টিকে দেওয়ার কথা কিছু মিলে ধীরে ধীরে তার নির্দেশ হচ্ছে আমরা বাজে দূরে আরে ভক্ত পাগল ভগবান কথা দেখা তার মুখে পাই কি কথা নাই তার কাছে তুমি যায় না যার মুখে দেখি ভুলে যাব বলে তার মুখ তুমি চেয়ে সিদ্ধান্ত যা পাখু বলে হরি কথা দেয় তা পাখু জীবন আর যা মুখ দেখবে হরি ভগবান বলে দেয় তা মুখ চাই ভগবান করতে জি কইছে সাধু লক্ষণ ভগবানের ভজনে জীবন সুন্দরী থাকে ভগবত চর্চায় ভক্ত কে সঙ্গ সে সদৈব সদৈব সবু বলে যেতল যো ভগবান করে দেশে গুরু মহাজন মর মহাত্মা দেবে সবু বলে তার পাশে সেই হরি কথা থাকে অনেক চর্চা নেই বসি ভগবত সে করে নেই ব্যবহার কে জ্ঞান সঙ্গে সমাজ করতে সামাজিক কথা বি কি কি অনাসক্ত হয়েছে अतः साधन पर भक्त का प्रभाव शीघ्र पड़ जाता है इसमें जो मन साधक साधन पर पास होते एक प्रकार नामनिष्ठ परम भागवत जप वाले सब जो बोल सब बोल बहुत चिंतन कर सी प्रकार महात्मा में संग हो जाता है कले ही आने और साधक पर साधन पुष्टि हो नॉलेज बढ़ो বড় মন্ত্র দেখি পড়ে বড় আসন দেখি পড়ে বড় মহাজ পড়ে শ্রী গর পরিণাম হরি কথা হচ্ছে এই কারণে কম্পাস হচ্ছে বাইর গর কুটিয়া গেলি থাকু খাইবার কোনো থাকে সে ভিকার বেলা থাকু যদি গেলে হরি কথা মিলছে সেটা সে টাইম বাদ দেখা কেন হরি কথা জীবন নাম হরি কথা হরি নাম যেখানে যে নিজের কল্যাণ আছে এই প্রকার বিচার বই করে ভজন সাধক ভক্ত কা প্রভাব শীঘ্র পড় যায় ভক্তর প্রভাব হচ্ছে সাধক যদি ভক্ত বাবু যে আমি যা আর যে মানে সাধু কে আসন্তি ভজন কীর্তন করি যদি ভক্ত পাখে রয়ে যায় সে ভক্ত প্রভাব হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে কিন্তু ভক্ত সে আচরণশীল এ যে সে আচরণ মে রাখা হয় উসকা প্রভাব চুম্বক কি তরহ পড়তা হয় এই হচ্ছে কারণ শিখবো এই সিদ্ধান্ত ভক্ত কোনটা আচরণশীল
आचरण बहुत प्रॉब्लम। भक्त जिसे आचरण करते हैं आचरण कोई से उपदेश देते हैं यदि मैं जे तप पास तप प्रमाण कर चुंबक पड़ा चुंबक जो दिला हो डाने चुंबक को ही लोह को आशीर्वाद करने लोह गला मत से लोह सुख आशीर्वाद चुंबक चुंबक के शक्ति से लोह को सकता ছিড়া হচ্ছে ছিড়া দুইটা পাতা ছিড়া হচ্ছে
गुट्टे पत्र जोर थे अवय पत्र दस्त थे एक प्रकार नियम से प्रकार भक्ति मार्ग जोर शिला हो आओ पत्र संसार के जस तेती पड़े तो सब कर्म करे हो ना एक प्रकार मान से चतुर्था से वजन ले यदि करियो ताले ताले किसी पाए होगा नॉलेज ग्रोस मुख्य घटना आचार आचरण सब पहुँचते वो भगवान को उपलब्ध करके आगमन से जो कि जघन्य दुख का कारण है सदा के लिए क्षति पा लेता है आचरण संघर्ष का कष्ट रहेगा भगवान को उपलब्ध करके भगवान को उपलब्ध कर दो से अच्छा संसार को बारंबार आश्चर्य जघन्य दुख का कारण को कर से सबदेवन क्षति मिलेगा संसार को आशिया जाओ जन्म मृत्यु जाए वृद्धि होने समस्त दुख आत्यंतिक दुख विनाश केवल प्रसन्न चित्त गया हरिनाम करिया से भी वैष्णव संग साधु संगे हरिनाम साधु संगे करे करता ये मंत्र तब भाई उन्हें क्या कर दे कौन के ना अब उन्हें आचरण से सर्वांग का कहीं जो तत्काल प्रेरणा भाग का हमें कोई वही हो ची ग्रंथ मिलिज मान कर गीता के सुनो सब उन्हें ताजे मिलिज नेहरू जी के जन्म भाग का बच्चे किसी उसे जाने आमी नेहरू जी पूरी तरह जान कर लिया एक बार बाबा जो क्या कारण भगवान हम भी उन लोगों की सेवा बुस्कर जो को पीछा देख रहा है हम भी उन लोगों की सेवा भगवान हम भी ज्ञान दे सकते अक्षर ज्ञान ऐसी शब्द ज्ञान ऐसी हम भी पूरी करें अब हमी पढ़ दे कहीं की ना प्रकृत अर्थ से उपलब्ध इतने जो मैंने सिर्फ भागवत का अर्थ को हजम कर सकते आचरण कर सकते भागवत प्रति प्रतिपादित विषय वस्तु को जो मैंने जीवन का सर्वस्व धारण के पड़ी हुई जिन ठाकुर जी का है से महात्मा को प्राप्त कले ही ताकर अनुभव जगत का अनुभव का भगवत भजन करके सद अनुभव कथा कही ना से अर्थ कहे जो अर्थ लेता है से क्लियर कि नाम से अर्थ को निज से पढ़ लो बुझ पाए क्रिया को बुझ लो तो पड़ी प्रह पड़ी होगी इतने का मुझे आचरण से संभव हो जाएगा महात्मा का ही मन करता सुन सुन बार बार भले ही वर्षों जान से लेकर सुन 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 कहीं नहीं पाने के आलो के आचरण को ताम उसे करके सुले आम के तरफ से करने में इच्छा का बुद्धि हो से करता से भागता मन को मन में आपन सुन सुन दे तब कारण से आनंद करे भजन लो तमन्ना जब ख्वाहिश चाहत पागला भजन लो जब इच्छा और बुद्धि का उसी परिवर्तन कर रहे हैं इतने सत्संग का कुछ सुख शरीर के बाद ही दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है सुख शरीर सुख मूल कारण आप पर दिव्य शरीर मिले जो जीवन सुख होए उसके नित्य दास पागला भगवान का जन अभी नित्य दास को ऐसा मतलब जीवन सुख पर सिद्ध हो गया इस सुख शरीर पर सुख शरीर संसार का मन ही बच्चे सुस्प शरीर जो को कुटी कुटी करोड़ करोड़ जन्म में नरकु को जाए से संसार का से शेष सुस्प शरीर को बर्तन कोई वस्तु को लगाने में वो कोई बच्चे या वो वहाँ पे जैसे ब्लॉक कर देता जानने सुस्प शरीर नष्ट करने भगवान को पाए सुस्प शरीर नष्ट करने भगवान को प्राप्त हो सर्व प्राप्त हो ऐसे तो चीज है इसे तो चीन में होती होगी ऐसे तो चीन में होगी सुस्प शरीर नष्ट हो गया मन तो नष्ट हो गया मन तो संसार का मन हो जी ना मन को जैसे सांसारिक क्रिया रही जी तब मन को भूति का परिवर्तन कर देता है भगवत को मिल कर देता है सुबह ले मन को भगवान को चिंतन करने स्मरण करने के रूप को ताकि नाम गुण लीला ताकि सेवा समस्त इंद्रिय द्वारा भगवान को जी लागी रही बता सेवा धीरे 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 जन्म जन्म के जो मन भीतर जो संसार छाप दे जी इंद्रिय भोग जो लालसा रहे जी कामना रहे जी ये धीरे धीरे नष्ट हो अपसेट जो मन निर्मल जो निर्मल मन जन सो नहीं पाओ ताते ऐसी कितने बागरा सुनते सबदा कृष्ण कथा जब बाण सुनी अपन बागरा अंतर परिश्रम रहे जो निर्मल जो नदी समलंग कृष्ण पूरा प्रजित सरत के पौरे वर्षा के सरत से सरत के कौन जी जल पूरा परिष्कार वर्षा ऋतु गुड़ जाते हैं सरल तथा से जल पूरा परिष्कार है शरीर से सर्व 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 तथा का
ଶରତୃତୀୟ ଯେପରି ପୁଷ୍ପ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ ସେପରି କୃଷ୍ଣ କଥା ମହିମା ପ୍ରକାର ଯେତେ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯେତେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏ ହରିନାମ ହରିକଥାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏ ପ୍ରକାର ଆମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜନ୍ମ ଯେତେ ଧୂଳି ଅଛି କର୍ମସ ଅଛି ଅପଶକୁନ ଅଛି ସାଂସାରିକ ଭୌତିକ କାମନା ବାସନ ସବୁ ରହିଛି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଲାଳସା ଏସବୁ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ ସେ ଅନ୍ତର ନିର୍ମଳ ହୋଇଯିବ ଆଉ ନିର୍ମଳ ହେଲା ପରେ ଧୂନୋତି କରିବା ଶରତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଧୂନୋତି ଜଳପୁରା ପରିଷ୍କାର ଦୀପିଆ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ ସମଳ ସମସ୍ତ ମଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଅନ୍ତର ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ତାପରେ ଯଦି ହରିନାମ ମିଳିଆ ହରିକଥା ଶୁଣିବା ସେଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି କାହିଁକିନା ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସବୁ ଛାପ ରହିଛି ଯେଉଁ ବରସ ରହିଛି ଭୁଳି ସବୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏଥିପାଇଁ କହିଲା ଏତିକି ଅପ୍ରତିହତା ଅପ୍ରତିହତା କହିଲ ଅପ୍ରତିହତା ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟମ ଭାବ ସେଭଳିଆ ସତତ ହରିନାମ କରିବା ଦରକାର ଅନୁକ୍ଷଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି ସବୁବେଳେ ହରିନାମ କରିବେ ସବୁବେଳେ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଚିନ୍ତନ ରହିଥିବ ଧୀରେ 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 ଆମର ହୃଦୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ପରିଷ୍କାର ହେଲା ଆମେ ଯେ କଥା ଶୁଣିବ ନା ଏଇ କଥା ହିଁ ତାପରେ ଆସିବ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହରିନାମ ହରିକଥା ହରିନାମର ଧାମର ବିଗ୍ରହର ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରସାଦ ଚରଣାମୃତର ତୁଳସୀର ଯେଉଁ ମକରନ୍ଦ ଅଛି ସେ ମଧୁ ଅଛି ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦ କରିପାରିବେ ଏହାକୁ କହିପାରିବା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି ପରିଷ୍କାର ବାକି ଅଛି ଏଥି ଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର କଲି ଏଟା ଶୁଣ ମହିଳା ଆସିଥାନ୍ତି ସିଏ ଉଦ୍ୟୋଗ ନା ବେଶୀ ମହିଳା କି କ'ଣ ଗରମ ପାଣି ଧୋଉଛି ନା ସଫା କରୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛି କାଚୁଛି ରଗୁଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ହରିନାମ ରୂପୀ ସାବୁନ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ମହିଳା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପିଛିଲେ ଜନ୍ମ କି ସୁଖ ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାର କି ପୁଞ୍ଜ ଯାଏ ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ପିଛିଲେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସୁଖ ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାର ପୁଞ୍ଜ ହୁଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଆମେ ଶୁଭକର୍ମ କରୁଛେ ଅଶୁଭକର୍ମ କରୁଛେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ସେ କର୍ମରେ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଏ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଭାବ ଦିଆଯାଉଛି ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରୁଛେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାର ହିଁ ପୁଞ୍ଜ ହୁଏ କେବଳ ମାତ୍ର ସାଧୁ ସଂସେ ହାଟ ସରକାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯେତେ ସବୁ ସଂସ୍କାର ଅଛି ସେ ସବୁ ସଂସ୍କାର ନଷ୍ଟ ହେବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧୁ ସଂଘ ଏତେ ନିରାକର ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଜି ଏତେ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ହେବ ନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପୂର୍ବପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯେତେ ସବୁ ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାର ସବୁ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସ୍ୱଭାବ କଲେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦରମରା କରିକି ଅଧା ମରୁଥିବା ସିଏ କିପରି ଦେଖିକି ଦଣ୍ଡଥିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବ କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ମହାତ୍ମା ମିଳିଆତି ବିରଳ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁବାରକୁ ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସାଧୁସଙ୍ଗ ବି ଭଗବତ କୃପା ସେ ମିଳିସାରିଥାଏ ସାଧୁସଙ୍ଗ ବି ଭଗବତ କୃପା ବ୍ରଜରେ କେତେ ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନି ଏବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଜାଣିଦେଇଥିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଚିହ୍ନାର ବଡ଼ କଷ୍ଟ ବୈଷ୍ଣବ ବୁଝିପାରିବା ସାର୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଛେଲିଆର ବଡ଼ ତା'ର ପରିକ୍ରମା ତା'ର ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର ଦରିଆ ବଡ଼ ଜାଣିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ତକୁ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ଆମେ ଦେଖିବି ଦେଖିପାରିବାନି ବୁଝି ବୁଝିପାରିବେ ଜାଣିବି ଜାଣିପାରିବାନି ନିକଟ ଥିଲୁ ଅନେକ ଦୂର ଦୂର ଥିଲୁ ଅନେକ ବୁଝିପାରିବ ବୁଝିବାକୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇଛି ଏଥି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭୋଗ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯେଉଁକି ଆମର ଭଜନର ଅନୁକୂଳ କଥା ମିଳୁଛି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭଜନର ଅନୁକୂଳ ମିଳୁଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସବୁବେଳେ କରିବେ ଭଜନ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ହରିନାମ ଭୂମି ହରିଭଜନ ମନେ ସେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ହରିକେତନ ଆସିବ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭୋଗ କୃପା ସେମିତିଆ ଭଗବାନ ତାକୁ କୃପା କରନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବି ଦୁର୍ଲଭ ନା କ'ଣ ତଥାପି ଦୁର୍ଲଭ ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତ ଦୁର୍ଲଭ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭତା ଦୁର୍ଲଭତା ଆହୁରି ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ଭଗବାନର ଭକ୍ତମାନେ ସଙ୍ଗ ତଥାପି ଦୁର୍ଲଭ ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ କି ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରେ ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଏଟା ଜଗଦୁଲକୁ ମିଳିବ ଜଗଦୁଲ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ବରଂ ପାଖ
ଖଣ୍ଡିଏ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆଚାର ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେ ସାଧୁ ସଂଘ ଭଗବତ କୃପା ସେ ତାହେଲେ ଭଗବତ କୃପା କପ ମାନ କରନ୍ତି ଯେ ମାନ ହରିଣା ନାମବସ୍ତା ଦେଲେ ଆଉ ଭଗବାନ କୃପା କେବେ ହବ ଯେତେବେଳେ ହରିଣା କରିବେ ନାମବାସ ଦେବେ ଉଦାହରଣ କି ଅଜାମିଳ କୃପା ଜି କହିଲେ ଅଜାମିଳ ଜୀବ ସହ ପାପ କରୁଥିଲା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତାର ପାଇ ବନ୍ଦ କରିଲେ ଯେ ପାପ ସେ କରିଥିଲେ ତଥାପି ଶେଷରେ କେମିତି ସେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଇଥିଲେ ନା ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମଦୂତ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ହେଇଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବ ସୁନାଇବ ସାଧୁ ସୁନାଇବ ତେଣୁ ପାପୀ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ପୁତ୍ର ଉପସାର ହେଇଛି ନାରାୟଣ ଡାକୁଥିଲା ନା କେଉଁ ଡାକୁଥିଲେ ନାରାୟଣ ଖାଇଲେ ବସିଲେ ଉଠିଲେ ସବୁବେଳେ ନାରାୟଣ ତାକୁ ନାମବାସ ସଂକେତ ଭଗବାନଟା କି ନିଏ କେଉଁ ପାଇଲେ ସେ କେଉଁ ନାରାୟଣ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାରାୟଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଅଜାମିଳ ସେ ନାମବାସର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ସନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଆଉ ସେ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ମହାଭାଗବତ ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନଙ୍କୁ ଭାଗଧର୍ମ କଥା ଶୁଣିଲେ ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ସଂସାର ଅସାରତା ହରିବଶରେ ଏକମାତ୍ର ଦରକାର ତାପରେ ଚାଲିଲା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସବୁ ସୁଲଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ବହୁତ ସଂସ୍କାର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି ଆମେ ପ୍ରତି ସଦୁରି ଆସି ଦେଇଛେ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାବି ଯାଇପାରୁଛେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛେ ସବୁ ପୁରା ସବୁ ସୁଲଭ ହୋଇଗଲା ତଥାପି ଏତେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରସ ହାତ ସାରା କରୁଥିଲା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ କେବେ ମଣିଷ ନାହିଁ ଏହିପରି ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ହରିଣାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଯିବାନି ଆମମାନଙ୍କ କଥା କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଏଇ ଜନ୍ମ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ଦରକାର ଧରନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ବି ହେବା ଯେ କଳି ଯାଉଛି ନା ଭଜନ କରିଦେବ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ କଳି କରିବାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟା ଠିକ୍ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 5.5 ବର୍ଷ ଦିଶୁଛି 5.5 ବର୍ଷ ଏ ସମୟଟା ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବ ହରିଭଜନ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଗୁରୁବାର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅପ୍ରଭ ବି ଗୋଟେ 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 ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିବ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏ ବି ନଥିବ ଦେଖିବ ଆଉ ବୁଢ଼ା କାଳ ଦେଖିବା ଆଉ ବି ନଥିବ ସେ କମେଇଛି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଉଠେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳିକା ହେବ କିନ୍ତୁ ଫୁଲଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳି ହେବ କଳିକା ହେବ ମୁଗୁଳିକା ହେବ ତାପରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହେବ ତାପରେ ସେ ଯେ ଝାଉଁଳି ଯିବ ତାପରେ ସେ ଯେ ସେ ଧର୍ମ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଗୋଟେ ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିନି ମଧୁପତ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କିଛି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ରହିବ କିଛି ବର୍ଷ ଦଶ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯାହାବି ତାପରେ ଆସୁଛି ତା ଡିକ୍ରିଜ୍ କମିବ ଏଇଟା ଆସିବ କି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ଧକାର ଯାଇ ହେବ ତାପରେ ଆଗ ମହାପୁରୁଷ କୋଡ଼ିଏ ସାଗର ଉଠେ ଏହିପରି ଉତ୍ଥାନ ପତ୍ରରେ ଶେଷରେ କଳିଦା ଶେଷରେ ରାଜ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଳି ଯିବ ତାର ରାଜ କରିବେ ସେ ଶେଷରେ କେହି ପାଠମାନେ ରହିବେ ନାସ୍ତିକମାନେ ରହିବେ ଧର୍ମଭୋଜୀମାନେ ରହିବେ ବାସ୍ ଦୟା ସ୍ନେହ ମମତା କିଛି ରହିବନି ପଶୁପ ସଂସାର ଉପରେ ତାପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାରିକି ଯୋଡ଼ା ବୁଝିବା ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ ହରିନାମଙ୍କର 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 ବି ମହାଭାର ସିରିୟସ୍ ମାତ୍ର ଜୀବନ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଘରେ ଖାଇବା ନଥିବେ ପରିବାର ଶୋଇଥିବେ ଭୋକରେ ଆଉ ବଡ଼ ହୋଇଥିବେ ଘର ମୁରବୀ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ନା ତାର କି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତା ସବୁବେଳେ ସେଟା କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ନ ମୁଠେଇ ମିଳିବ ପରିବାରଟା ଖାଇବ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ନା ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ସଂସାର ଆମକୁ ସୁଖ ଅଛି ବାସ୍ତବରେ ଯେ ସମୟର ବୃଥା ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାର ପ୍ରତି ଫାଇଦା ଉପରେ ଭୋଗ ନିର୍ଷଣ କରିବି ଆମେ ସଂସାର ହେଁ ହେଁ ସେ ଖୁସିରେ ଖିଆ ପିଆରେ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସେ କଟେଇଦେବା ଭାଇ ଆମେ ମୂର୍ଖ କିଏ ନାହିଁ ଏଇ କାରଣ ଆମକୁ ଏଇ କାରଣ ସବୁ ବିଜୁ ଆସିଲା ବୋଲି ଆସିବ ସବୁ ପ୍ରଦାନ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିବ ପରେ କହିବ କି ମହାନ ସମ୍ରା ଖାଇଦେବ ଆଗେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପା ମା ମହାନ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ଏ ସମୟ ସେମିତି Snake will come, we will take snake and...
ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫಿಸ್ ಜಿಯಾಂಗ ಸಂಬಂಧಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸರ ಪುಣ್ಯ ನಿಜವೇ ನಿಜ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಗವಾನೇ ಅವಶ್ಯ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐಸಿಯು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತರ ಆತ್ಮೀಯಮಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮಿ ಸಂಸಾರ ಪರಿಚಯ ಜೋಡುಛೆ କି ଆମ ନାହାନ୍ତି କିଛି ଆମ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସୋଷମ ଆମକୁ ଯିଏ ପ୍ରୀତି କରୁଛି ଆମକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛି ଆମକୁ ଯିଏ ସ୍ନେହ କରୁଛି ଆମକୁ ଯିଏ ଦୟା ଦେଖୁଛି ଆମକୁ ଯିଏ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରିଚିତ ହେଇପାରେ ବା ଆମର ଦୃଢ଼ତା ପାଇଁ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସହାନୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ଉଦ୍ଧାର ଦେଖିବା ହରିନାମ କରିପାରିବ ବୈଷ୍ଣବ କରିବେ ହରିନାମ କରିବେ କେଉଁ ବାପା ନାହିଁ ମା ନାହିଁ ଭାଇ ନାହିଁ ଭଉଣୀ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ ସାଥୀ ନାହିଁ ଧନ ନାହିଁ ଘରେ ଗୋଷ୍ଠା ଟଙ୍କା କହିଲେ କହିବ କେବଳ ହରିନାମ 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 ପ୍ରଚୁର ହରିନାମ କରିବା ଦରକାର ତାହା ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଏ ନପସଲ କ'ଣ ଲାଗିବ ଏଇ ନପସଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କାହିଁକିନା ହରିନାମ ପୁଞ୍ଜି ଯାତ୍ରା ଥିବ ନା ଜଗତର ସବୁ ଧନିଶି ହରିନାମ ପୁଞ୍ଜି ଯାହା ପକେଟ ଅଛି ତାପରେ ମିଲିୟନେର ବିଲିୟନେର ପ୍ରକୃତିର ଧନିଶି ହରିନାମ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଥିବ କିଛି ଯେ ଘର ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟର କରିଥାନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ମୋଦୀ ମଞ୍ଚ ଯୋଉ ନିୟମ କରୁଛି ସେ କହିଥିଲା ଗୋଟେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ଷେ ଡାଲି ଆସିବ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଦେଖିବ ଦିନେ ଆସିଲା ଦୁଇ ଦିନ ଆସିଲା ତିନି ଆସିଲା ତାପରେ ଚାରି ଦିନ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବେ କେହି କାମ କାମ ଯିବି ନା ଲେବର କିଛି ସବୁ ଅଫିସ୍ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ଖାଲି ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିବେ ମେସେଜ ଲକ୍ଷେ ଆସିଲା ହିସାବ କରିବେ ଲକ୍ଷେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ତିନି ଲକ୍ଷ ବଢ଼ିଲା ଲୋକ ସାରା ଭାରତ ଲୋକମାନେ ସବୁ କର୍ମ ପଡ଼ି ହେଇଯିବେ ଶେଷରେ ମାସ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୂର ଦୂରେ ଆସୁଛି ଆସୁଛି କ'ଣ ହୁଏ କ୍ଷୀର ପକୁଟି ନ ତା ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି କ୍ଷୀର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ସେ ବଜାର ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଭାଇ କ୍ଷୀର ପକୁଟି ଦିଅ ମୁଁ ତୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେବି କିଏ ଦେବେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବି ଦଶ ହଜାର ଦେବି କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ପଚିଶ ପଚାଶ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବି ପକେଟ୍ ଦେବି କିଏ ଦେବେ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା କ୍ଷୀର କିଏ ଦୁଇ ନା ସବୁ ତ ପଇସା ଦେଇ ବସୁଛନ୍ତି କିଏ ଆସି ଆଳୁ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ କିଏ ଆସି ଚାଉଳ ପାଇଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କାହିଁକି ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଭଡ଼ା କ'ଣ ସେ ପଇସା ପାଇଁ ଏତେ ସୁରକ୍ଷି ସଂସାର ଗରିବ ରୋଗୀଟା ଦେଉଛେ ଲାଭ କ'ଣ କରୁଛି ହରିନାମ ପୁଞ୍ଜି ହରି ଏସବୁ ଲଗାଇ ହରିନାମ ପୁଞ୍ଜି ଅଛି ଯଦି ଟଙ୍କା ପକେଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଦୁର୍ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିବ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଏ ସଂସାର ବୈଭବ ହିସାବରେ ପାଖରେ ତୁମେ ଦେଉଛେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ସଂସାର କରିକି ଭଗବତ ଭଜନ ଜୀବନ ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଏସବୁ ସିରିୟସ୍ ନ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଲୋକ ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଭଗବତ କୃପା କବ ମାନବ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ମାନବ ହରିନାମ ନାମ ସ୍ୱରୂପ କର୍ମୀ ଯାଏ ତଥା ସେ ସନ୍ତ ସେବା କରି ଯାଏ तभी तो शास्त्र घोषणा कर रहे हैं भाव भाव अनक आदर्श हूं नाम जप के मंगल लक्ष्य हरिनाम कर लेते स्वामी सवाई देव महाराज हरिनाम कर ले साधु समय प्रजा मिले आलस्य को मिले संकेत को मिले विष्णु दर्शन कलिकाल में भगवत प्राप्ति का कोई दूसरा साधन है ही नहीं आप कौन से मार्ग ने भगवान को पाए थे जिसका अनुष्ठान करने में कोई कठिनाई हो कठिनाई है लेकिन उस समय तपस्या को तपस्या करके पद से चले जिस कष्ट में नहीं भगवान को पाया अनुष्ठान करे किसी भी समय कहीं भी बैठकर बिना कुछ खर्च किए सुगमता और सरलता से अभिनय कर सकते जैसे पैसा खर्च नहीं समय भी दरकार नहीं कौन स्थान भी दरकार नहीं जेको स्थान है जेको समय है जीव भाव भी बस कहने सरलता से ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ମାଳ ବି ହେଲା କହୁଛ ନା ତୁଳସୀ ତୁଳ ବୋଲି ହେଲା ତୁଳସୀ ଚୟନ କଲାକୁ ବିଶ୍ୱ ଚୟନ କଲାବେଳକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାନକୁ ବାସନ ମାନିଲା ବେଳକୁ ନେଇକି କ୍ରୀଡ଼ା କରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ରହିଲା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମାନେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଯିବ ଆସୁ ହରିନାମ ପରିବେଶ ସେ ତିଆରି କରାଯାଏ କିଛି ଆସିଛି ହରିନାମ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଘଟଣା
অনুভব করছি আমাদের গুরুমার প্রসঙ্গ কেন আমি জীবনে একমাত্র করতে গুরু প্রসঙ্গ যে আমার আঁকি করবে যে আমি দেখলে যে সংসার অসার থাকবে যার উপায় অনুভব করছে প্রচন্ড মাটি পেলে সেটা আনন্দ তাঁকু প্রসঙ্গ দেওয়া একমাত্র তাঁকু প্রসঙ্গ কিনবে সে যেন তা অবশ্যই দেখে মা জীবন দিদি করছি প্রভাব তা সেখানে সেখানে প্রায় সে পরিবেশটা যদি ভুলিয়ে যেত কি আছে কি কম করলে কিন্তু পরিবেশটাকে অন্তকরণ চেষ্টা করে তারপর বেড়া পরিষ্কার দিয়েছে আমি যেমন রয়েছে বিশেষ কথা বিশেষ সবুজ আচরণ আচরণশীল রিভিশন করে দেবে সবুবেলে হরিনাম হরিকীর্তন অনেক কমছি পয়সা খরচ लेकिन मानो इतने मायाजाल में फंसा पड़ा है कि हरिनाम जपने में इसका भी इसका जी घबराता है इतने सरल सुगम सुलभ उपाय पैसा खर्च नहीं जेको समय जो जिसको स्थान हरिनाम कर पाएगा इतने कष्ट भी किसी नहीं तथा मनुष्य की प्रकार को संस्कार देखो बुद्धि भगवान करो इतने सुविधा सूत्र तो हरिनाम जो जब हो जाए मैंने विचलित हो ইচ্ছা হবে মনীষ কথা তো আমি বাবাজিকে জানিছ আমার ইচ্ছা ধরে মনে মনে কথা আমি ছাড়ি আমার ডিউটি হচ্ছে এইটা আমার কাম করতে হবে না আমার সন্তান দেখলে আমার কি মলিকে কাম দিয়ে না মশ্রীকে বসিয়ে দেবে কি আমার বাড়তে দেবে কি আমার কি কিছু করে দেবে আমার মরে গেলে মশ্রী দেবে আমাদের তো অলগা প্রকার পড়ায় শিক্ষা আমরা একমাত্র করতে ভগবান আমি নিহাতি করি বিশেষ ভাবে বেশি জোর জোর দেখি আমি মানে করি না আমার শ্রদ্ধা আসে পয়সা করছেন ইসকারি ঘবরাতা ইতনা অজ্ঞান কিতনি মূর্খতা ইসমে সমাই করে মারে কেতে অজ্ঞান কেতে মূর্খতা দেখো যে হরিনামকে জীবন সরস সুন্দর করব যে হরিনামকে পরিবার সমাজ রাষ্ট্র সভ্যতা সংস্কৃতি जो हरिनामी जन्म जन्म पर दुख को दूर करे सुख शरीर नष्ट करे भगवत साक्षात्कार कर जरूरी कर यही कैसे रहती मानव जीवन का चरम परम सफल जो हरिनाम से हरिनाम प्रति आग्रह पैसा भी खर्च होगी समय भी लगनी कष्ट भी नहीं से स्थान भी दरकार नहीं जेपुर स्थान बस करे ये सहज सरल तथा फिर गुरु जो हरिनाम ये दुख की ही सुख मानकर अपना जीवन काट रहा है ऐसा लोग दुख को सुख को समझ बात कर संतान को सुख में दुख को किन पर समझ से दुख ही दुख के दिग्र अनुभव हो दुख को ही सुख मान के संसार में इसमें पता नहीं कि अब भविष्य में इसे मान जन्म नहीं प्राप्त होगा ये तीसरा है कि इतनी की जानू जे ये जो दुर्धो जन्म प्राप्त है जो मनुष्य जन्म आपसे भसी खुशी खाई की चिंता को ये नजर नष्ट कर दो जी मरीवा प्राप्त है मनुष्य जन्म मिलो सिंधी की स्नेह कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिल सके भजन करे मानो और ये भजन को ये अपनी मनुष्य जन्म मिल जी पर मनुष्य जन्म आपने इतने सुख को तक और ये कुछ सुख की पान पाते हुए अच्छे समान भी कुछ सुख अच्छे हम मनुष्य टाइम पर और मूल उद्देश्य से परियोजन करे सुंदर कुकोटा गोरिया मारा चाटी करे लोग Once per day.
Right. One what? Swambara was not from Bharat. Bharat. Like Sudhir was on. She came and he came and 2 hours constantly without moving, he was listening. Well, when the discourse was over, he was free. Have you seen? Asun Mahatma, he could have stopped. जितने जीव हरि सत्संग आते कुकरों की बिरयानी क्या कुकरों का शिवालय से जाओ तो कितना नौ दिन कोई कुकरों में बिस्तर कुकर ना ये कुकर सही है ऐसा दायित्व थी ना नौ दिन को जवानी पूरी जीवे तब सच्चे थे ये कुकर ना सच्चे थे तो कौन बोला कोई खाया बोले ताकि मुसाइ दे बोले कुकर ना परिश्रम करे दिने कोने कुकर ना कथा भूली जाए चला दस मौत कुकर सच्चे चले दिने भूली जाए रात्रि से उस दिन तो मान जाए कुकर तो दिखाई दे दिख रहे जैसे कुकर भी था भाव 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 तो क्या करने पड़ पड़े से बड़ो दुख लग रहा है समझ आ रही है रे माँ का तो उठी ले वो साथ दे मतलब मस्ते बोल रही माँ मस्त अपराध ही ना सी उठ जीवन ना सत्य तीर्थ जाओ तो हम निश्चित कर लिया सुन कर देते बड़ो दुख लग रहा है तब माँ से परी पंगल निकल पूरिया से पूरिया से दिख रहे चैतन्य महाप्रभु का करे महापुरुष बस दिख रहे चौधरा करे से कुकोटा तोड़े उसी महापुरुष चरण करे महापुरुष नोडिया कई बोझ से नोडिया करोची कुकोट शिवा से तो देख सांप्रदायिक द्वार लग था परे महापुरुष द्वार पैसला एक प्रकार महात्मा मिलो तब कुकोट और तेरे दांत दिखा पैसला सेम तो सारा कुकोट नाम है कुकोट विशेष है सारा बोलियो प्राप्ति जीवन यदि हरिवंदन करते हैं स्वयं नाम उपलब्ध से हम अपने तो आम कथा तो बंद ही जो तब टेस्ट हो रहा है पुलिया के लिए हमारा कोई समय का इशारा हमारा अपराध होते हैं तो देख रहा हूँ और बाद में जैसे पुलिस कोई समय की नहीं होती दुनिया का आप लोग ऐसा करो कि नहीं जाने से हम वंचना करते हैं आज धाम हम को वंचना करते हैं ना हम धाम में शुरू करते हैं देख पाते हैं जमुना शुरू करते हैं लुकाए थे गोल शुरू को धाम शुरू करते थे हम आखिर हम तो ध्यान दे सकते क्या हम वंचना कर सकते हैं हम जो भी में शिशु देख क्या पाए यदि भजन क्रिया का इस प्रकार से प्रकाश करे संत कौन वैष्णव कौन भगवत कौन दिग्गज कौन ऋषि कौन धाम कौन परिकर कौन ये जैसे कुछ स्वरूप अच्छी बात है इस स्वरूप का हम अगर प्रकाश को भूल ही हमें जड़ से दूसरे देखो जे तत्काल हम चाहे संस्कार वापस आ रहा यदि गुरुत्व से भजन क्रिया देखा माथे सब प्रकाशित है सूर्य चीपना दिखाई जमुना प्रभु स्वरूप धाम की प्रकार गुरु को स्वरूप कौन वैष्णव स्वरूप कौन भागवत स्वरूप कौन दिग्रह कौन चरणाम कौन प्रसाद कौन अनुभव ही जो देख पाए हमें भजन दिल को यार भजन आप मान रहे हैं और ये कोड़ी लड़ी हो गई और ये वाली नाम है तेरे का और नाम बोले धीरे धीरे प्रकट ही जाए जब फिर जैसे सो प्रलय भौतिक का नष्ट हो भौतिक का प्रलय जब प्रलय को से पर्दा हटियो धीरे धीरे आगे हटियो कितना अज्ञान कितनी मूर्खता इसमें समाई पड़ी है दुख कोई सुख मात्र अपना जीवन काट रहा है इसको ये पता है कि अब भविष्य में इसे मानव जन्म नहीं प्राप्त होगा एवं ये दुख सागर में गिर जाएगा बिचारा कुछ पाना समझते मला कुछ सुधार हो जाएगा महिला प्राप्त जन्म होती चिंता कुछ जन्म पर आओ तो जन्म 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 होती चिंता कुछ जिस चिंता को चिंता दूर ना अब सोचो कोई उसे साइकिल कर लो कि जंगली इंद्र नगा पैसा की वजह से मला मचा रहे मला वो तो कष्ट पाई तो कोई जहाँ करते सेवा नहीं कष्ट दे जहाँ काम करते सही कष्ट दो जो वस्तु संग्रह करते सही नहीं कष्ट दो ये जगह कर दी थी हम जहाँ पर क्या सकते हैं सुख करते सही हम इसमें दो ये घरों से जमीन से बाड़ी से पंखा से बोर से स्त्री से जीव सारे कष्ट दे कष्ट पाई कोई जीवन सुजो डॉक्टर मिल तक सारी वजन करे तब हो गया मला निजर कर्म अनुसार गुणस आप जन हो गए तो रुक तो रुक जी बोल कितने जन हमारा गुण इस मेरे का कह रहे हैं इसी में एक तो चिंता को भी भरी जरूर है शास्त्र बोल रहा है कि करोड़ों मानव में कोई एक ही अपना उद्धार करता है करोड़ों करोड़ मानव मानव में कुछ जाने के उद्धार हो समस्त उद्धार ही करें कोटी कोटी मानव चढ़ा हुआ है तादाम लिस्ट नहीं उधर कोड़ा माँ, मैंने कोड़ा तो प्राणी जाने उधर, उधर
ଆମେ କରୁଛେ ତାର ଗତି ଆମର ପ୍ରମାଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ କରିବା ଶୁଣା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ସଂସାର ପାଗଳ ଗୁରୁ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବାନା ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦି ତାଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏକାଠି ଆମର ନାଇଟ୍ ପାଗଳ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏକାଠି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ନିହାତି ସତ୍ସଙ୍ଗ Krishna
Jai Shri Krishna.